ओम शांति। मैं एक विदेही आत्मा हूं। एक प्रकाश पुंज हूं। इस देह में मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूं। पांच तत्वों से बने इस देह में रहकर भी उससे एकदम अलिप्त हूं। अपनी निराकार स्थिति में स्थित रहकर इस साकार शरीर का आधार लेकर कर्म कराने वाला कर्म करते कर्म से न्यारा रहने वाला और कर्म और योग में पूरा संतुलन रखने वाला मैं एक कर्म योगी हूं। स्वयं को करनहार समझ कर्म करता हूं। हर कार्य में बाप को करावनहार समझता हूं और सदा हल्का महसूस करता हूं। आनंद से भरपूर रहता हूं। अपनी बुद्धि की तार सदा बाप से जुड़ाए रखता हूं। अब सदा मेरे स्मृति में रहता है चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, और मैं तो बस निमित्त बनकर कर्म कर रहा हूं। सर्व जिम्मेवारी एक बाप को देकर मैं सदा डबल लाइट रहता हूं। अब मेरे कर्म और योग दोनों कंबाइंड है। ना कर्म करते याद को भूलता हूं, ना याद में रहते कर्म को भूलता हूं। कर्म करते याद में रहने से सदा हल्का रहता हूं, बोझ मुक्त रहता हूं। मैं हर कर्म बाप को साथ रखकर अपना साथी बनाकर बाप के साथ कंबाइंड होकर करता हूं। और कर्म को सहज कर्म में बदल देता हूं।
कर्म को योग में परिवर्तित कर देता हूं। अब मेरे कर्म में ही योग समाया है और योग में ही कर्म समाया है। मैं कर्म और योग में पूरा बैलेंस रखकर हर कठिन कार्य भी सहज अनुभव करता हूं। कर्म और योग के बैलेंस से सबकी ब्लेसिंग भी प्राप्त करता हूं। और सफलता को पाता हूं। कर्म करते कर्म और मनसा दोनों का बैलेंस रखता हूं। मैं कर्मेंद्रियों से कर्म भी कराता हूं और मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल में शक्तिशाली स्नेह संपन्न वाइब्रेशन भी फैलाता हूं। कर्म में रहते न्यारा और प्यारा रहता हूं। स्वयं भी आगे बढ़ता हूं, औरों को भी आगे बढ़ाता हूं। हर कार्य सेवार्थ करता हूं। हर कार्य करते याद की यात्रा में रहने वाला मैं एक कर्मयोगी हूं। याद और कर्म साथ साथ करता हूं। और अनुभवी मूर्त बन सफलता प्राप्त करता हूं। साधारण कर्म करते हुए भी अपनी स्थिति को महान बनाकर अब मैं साक्षात्कार मूर्त बन गया हूं। कर्मयोगी फरिश्ता बन गया हूं। और मेरे द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष कर रहा हूं। ओम शांति।